cara, mano. Assalamualaikum everyone, welcome to I am Urusa Siddiqui और आज जो है मैंने बनाई है मामा की रेसिपी पालक पनीर पहली दफ़ा घर पे। अब जो है वो आ गया है गर्मियों का मौसम। अब गर्मियों के मौसम में असूलन तो जो मौसम आए उस मौसम की उगी हुई सब्ज़ी जो है ना वो अगर आप कंज्यूम करेंगे दैट इज़ द बेस्ट फॉर यू। वो आपको उस मौसम के जो चेंजेस है उससे बचाता है, आपको शिफा देता है, आपको उस मौसम को डील करने के लिए आपको जिस्म में वो सारी ताकत देता है। सो 4 बजे खाना खा रही हूँ मैं, सो तो आज बना ही छोड़ूंगी पालक पनीर। सो ये पालक पनीर बनी है होम मेड पनीर से। मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर किया था, अगर आपको कोई डिटेल वीडियो चाहिए अबाउट पनीर एंड व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनीर आई मेक तो मुझे बताइएगा ज़रूर। पालक पनीर जो है वो मैं खा रही हूँ बेसन की रोटी के साथ। इसके अंदर मैंने घर का मक्खन चिपोड़ा है और उसके साथ मैं ये खा रही हूँ। नाउ स्पिनच जो है एक बहुत ही ताकतवर चीज़ है, अगर आप इसको अपनी डाइट का रेगुलर हिस्सा बना सकें। आई एम नॉट अ फैन ऑफ स्पिनच, मुझे ये पालक साग ये सब चीज़ें समझ नहीं आती, डिफरेंस नहीं पता एक तो, और दूसरा मुझे पसंद नहीं है लेकिन मैं उंगलियाँ चाट रही हूँ। सो दिस इज़ दी ओनली रेसिपी दैट आई लाइक एंड ये मेरी मामा बनाती है। पहले बहुत कंजूसी से बनाती है लेकिन पता नहीं क्या हुआ शादी के बाद ज़्यादा ही बनाने लग गई है। लेकिन अब क्या होता है क्योंकि मामा से ज़रा करीब हूँ ना, तो अब जब भी कुछ अच्छा मज़े का घर में बनाती है ना तो वो मेरे लिए एक डब्बा ज़रूर रखती है और भेज देती है। तो अब लास्ट टाइम जब उन्होंने भेजा ना तो उन्होंने धमकी दे दी, उन्होंने कहा कि ये लास्ट टाइम है जो मैं तुम्हें ये भिजवा रही हूँ, अब तुम खुद बनाओगी। मैं कहा ओके। क्रेविंग जब हुई है तो फिर भाई जब क्रेविंग होती है ना फिर कोई बच नहीं सकता उस क्रेविंग से, तो मैंने बना ली। नाउ अ क्विक रेसिपी ऑफ हाउ आई मेड इट इज हियर। पालक को अच्छी तरीके से हमने धोया, उसके बाद उसको स्ट्रेन करके उसको थोड़े से मोटे मोटे ऐसे टुकड़े कर दिए और उसको हमने पतीले के अंदर डाल दिया और उसमें कुछ छींटे पानी के डाल दिए। ब्लांच करने के बाद उसको आपने ठंडे पानी में डाला, वो कूल डाउन हो गया और उसके बाद उसको उसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो गई। अच्छा द वे जो कंसिस्टेंसी जो टेक्सचर मुझे चाहिए होता है पालक पनीर के अंदर, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा मेहंदी की तरह पेस्टी किस्म का बिल्कुल पिसा हुआ पालक पनीर नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा चंकी हो। अब उसको पीसने के लिए हमने ब्लांच किया हुआ स्पिनच डाला एक मिक्सर के अंदर, उसके अंदर हमने थोड़े से धनिया डाला। अगर आप पुदीने के फ़ैन हैं, मेरे घर में इतना ज़्यादा पुदीना नहीं कंज्यूम होता लेकिन लोग डालते, पुदीना डाला और आपने इसके अंदर हरी मिर्ची अगर तेज़ हैं तो देख के, और इसके अंदर आपने डाल दिया ज़ीरा। नाउ उसको अच्छे से आपने इसको ब्लेंड कर दिया, पूरा प्रॉपर बिल्कुल पिसा हुआ पेस्ट्री किस्म का ब्लेंड नहीं करना, उसको आपने निकाल के सेपरेट रख दिया। सो आपने होममेड पनीर ली और उसको आपने अच्छे से अराउंड एक अपने साइज़ के, अपने फेवरेबल साइज़ के हिसाब से, मुझे तो कोई एक इंच अराउंड एक इंच से थोड़े से कम साइज़ के एक स्क्वायर शेप की पसंद है, मैंने उस तरह उसको कट कर दिया और उसको मैंने फ्राई कर लिया। सो पालक पनीर के लिए जो पनीर हमें चाहिए होती है फ्राई करने के लिए, उसके लिए हमें थोड़ी सी फर्म हमें पनीर चाहिए ताकि वो अपना शेप रहे और उसके अंदर अगर पानी कम होगा तो वो फ्राई करते हुए टूटेगा नहीं ना। पनीर देखें कितने प्यारा क्रिस्पी क्रिस्पी इसके टॉप है और ये अंदर से कितने मज़े के सॉफ्ट मज़ेदार हो गए हैं, ये पालक के अंदर जाके ना और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अब आपने कढ़ाई ली, उसके अंदर आपने आइडियली घर की घी आपने उसके अंदर डाली। अगर इफ़ यू इंटरेस्टेड इन नोइंग घी कैसे बनता है फॉर द पीपल हु डोंट नो तो आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट इज़ वेल, लेट मी नो। उसको घी अच्छे से कड़कड़ा गया तो उसके बाद आपने उसके अंदर एक प्याज डाली 1 किलो स्पिनच के अंदर, उसको बारीक ऑमलेट साइज ऐसा कर दिया और उसको फिर आपने पिंक होने तक उसको आपने अच्छे से घी में फ्राई कर लिया। वंस दैट इज़ डन, आई पर्सनली आइडियली लाइक कि थोड़ा सा कुचला हुआ फ्रेश अदरक और लहसुन डाला जाए तो वो मैंने फ्रेशली कोट के उसको मैंने उसके अंदर डाल दिया। सो वंस दिस इज़ डन तो फिर जो आपका जो स्पिनच का जो पेस्ट है ना उसको आपने प्याज और अदरक लहसुन के अंदर डाल देना है। पहले थोड़ी देर उसको फ्राई करेंगे और उसके बाद उसके अंदर आपने डालना है हल्दी, उसको थोड़ी देर पकाएंगे, जब आपको लगेगा थोड़ा सा भुन गया है तो उसके अंदर आप डाल देंगे पानी फॉर कंसिस्टेंसी जितना आपको थिक चाहिए। पानी जो है वो जब भी गर्म करेंगे आप थोड़ा सा डाल दें और पानी ज़रा ज़्यादा होगा तो फिर पनीर के अंदर जब आप नमक डाल के उसको पनीर उसके अंदर डालेंगे तो वो उसके सारे फ्लेवर्स और उसका नमक सोक कर लेगा। मुँह में पानी आ गया मेरे।
सो ढाका थोड़ी देर के लिए, उसको पानी डाल के दम दिया, उसके बाद उसके अंदर हमने डाल दी यमी यमी मज़ेदार सी खूबसूरत सी माशाल्लाह माशाल्लाह ये पनीर। पनीर को डालने के बाद हमने उसको बंद किया, थोड़ी सी देर उसको दम किया, एंड में हमने क्रीम डाली और चूल्हा बंद। सर्व आउट करने के बाद उसके ऊपर थोड़े से पनीर की छोटे छोटे पनीर के क्यूब्स आपने वैसे ऊपर डेकोरेशन के लिए सजा दिए, और उसके ऊपर आपने ड्रिजल कर देना है थोड़ा सा फ्रेश क्रीम। क्रीम के बाद अगर आपके पास घर का मक्खन है, मैंने यहाँ पे घर का मक्खन एक छोटा सा चम्मच उसमें डाल दिया, और वो लुक एट इट हाउ इट इज़ मेल्टिंग एंड ऊजिंग आउट दिस फ्लेवर, इट इज़ सो यमी। मतलब ना शूट करते हुए बस में चल रहा था कैसे एक हाथ मार लो, एक ज़रा सा बड़ा सा चंक जो है ना वो मैं चंक क्यों ना मैं बड़ा सकते मुँह के अंदर डाल लूँ अब एक साथ। ओके दिस इज़ द बिगेस्ट दैट आई फाउंड। चीयर्स। And there you have it. पालक पनीर मेरी मम्मा के हाथ की रेसिपी अप्रूव बाय सारा। शौहर को खिलाऊंगी और अपने बच्चों को खिलाऊंगी, आप लोग भी बनाएं। जो भी मौसमी सब्जी है फूड पोर्शन कंट्रोल के वक्त जो आधी प्लेट आपने सब्जियों से भरनी है वो सिर्फ सैलड्स नहीं है, हम तो गोरे नहीं है ना बाबू, हमें देसी सब्जियां भरनी है। देसी सब्जियां भरो, थोड़ा सा सैलड भरो उसके अंदर, सलाद सैलड नहीं सलाद। हेल्दी बोन्स हेल्दी स्किन एंड हेल्दी ब्लड, ये जो चीज़ हम खा रहे हैं ना, ये पालक द स्पिनच दिस इज़ हाई इन आयरन एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, सोने के लिए आसानी के लिए। सो दैट इज़ वन ऑफ माई रीजन्स वाई एम गोना एड स्पिनच इन माई डाइट नाउ। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक विटामिन ए जो आपके मसल्स को आपके टिश्यूज को ग्रो करता है, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, और आपके लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी क्या है वो स्किन को बहुत ज़्यादा फायदा देता है। स्पिनच इज अ रिच सोर्स ऑफ आयरन, तो ये आपके हीमोग्लोबिन को बनाता है, आपके ब्लड को और अच्छे से फ्लो कराता है आपकी बॉडी के अंदर, हेंस रिजल्टिंग टू हार्ट हेल्थ, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आपकी अच्छी होगी इफ़ यू ऐड स्पिनच टू योर डाइट ऑन अ रेगुलर बेसिस। बच्चों की डाइट में अगर इसको ऐड कर लें एक यमी सी रेसिपी बना के, जैसे मैंने हमजा को ये वाली रेसिपी बहुत पसंद है, इससे उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं हेल्थ वाइज। बिकॉज आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर फिजिकली इतने एक्टिव नहीं जितने हम थे या हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स के ज़माने में होते थे। सो दिस इज़ माई पालक पनीर एंड मेरे आलू वाला रायता, लौकी वाला और आलू वाला रायता बनता है हमारे घर में बेसन की रोटी के साथ। If you guys are interested, तो बेसन की मक्खन की चुपड़ी हुई रोटी एंड आलू वाला रायता एंड लौकी का रायता भी मैं आपको बताऊंगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। Enjoy your summers with good, healthy vegetables. Bye bye. Subscribe!